नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो आखिर रैलियों पर रोक 15 जनवरी तक ही क्यों? इस सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी से फैल रहा है, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। मामला इतना गंभीर हो गया है कि पीएम मोदी इस वक्त कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, बूस्टर डोज पर भी चर्चा करेंगे। एबीपी न्यूज भी इस स्थिति को देखते हुए ये पूछ रहा है कि क्या बिना रैलियों के चुनाव नहीं हो सकता? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है, क्योंकि आंकड़े लगातार डराने वाले सामने आ रहे हैं, कोरोना संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है आप इससे समझ सकते हैं। इसी को लेकर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं, कोरोना पर प्रधानमंत्री मंथन कर रहे हैं तमाम अधिकारियों के साथ कि आखिर कैसे बढ़ती हुई इस रफ्तार पर रोक लगाई जाए, क्या कुछ और अहम फैसले लिए जा सकते हैं, और बूस्टर डोज को लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। फिलहाल ये तस्वीरें उसी बैठक से जुड़ी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और कोरोना संक्रमण को लेकर, इस स्थिति को लेकर विचार विमर्श अधिकारियों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि ये रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इसे रोकना बहुत जरूरी होगा ताकि पिछली गलतियों से सबक लेकर इस बार कम से कम स्थिति बिगड़े ना बहुत ज्यादा, उस पर कंट्रोल किया जा सके। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं वर्चुअली, ये महामंथन जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री की नजर, समीक्षा बैठक में इसी पर चर्चा हो रही। तो देखिए, कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे तो यही लग रहा है कि आने वाली लहर अभी थमेगी नहीं। एक्सपर्ट भी यही मानते हैं कि कोरोना का पीक फरवरी में आएगा। तो ऐसे में एबीपी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है, सवाल ये है कि रैलियों पर रोक सिर्फ 15 जनवरी तक क्यों? और इसी सवाल को लेकर, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। कौन कौन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपसे उनका परिचय करा देती हूं। राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी हमारे साथ हैं, साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अहबाब सिंह ग्रेवाल को भी इस वक्त आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत कर लेते हैं मनोज काका आपके साथ। क्यों ना, जिस तरीके से हम इसे ऐतिहासिक फैसला तो कह रहे हैं कि देखिए, इस संक्रमण की स्थिति में यह जरूरी था कि चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन 15 जनवरी मतलब हफ्ते भर में क्या कुछ बदल जाएगा? ये रोक आगे तक नहीं होनी चाहिए? श्रीन, ये संस्थान का काम है और इलेक्शन कमीशन उत्तर जो देश का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था अगर ये तय करेगी, और जो लोग भी मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, स्वास्थ्य के एक्सपर्ट हैं, वो अगर तय करें कि आगे दूर तक और रैलियों पर रोक लगाया जाए, तो अब जो निर्णय चुनाव आयोग लेगा उस निर्णय को सभी राजनीतिक दल मानेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब देश में डेल्टा का दूसरा वेरिएंट आया था, जब लोगों के और गांवों से लाशें निकल रही थी, तो उस दरमियान देश का कौन नेता पश्चिम बंगाल में जाकर के नफरत के बीज बो रहे थे और आए दिन सबसे रैलियां कर रहे थे? तो जो लोग शीर्षस्थ राजनैतिक दल हैं या अपने आप को सबसे बड़ा राजनैतिक दल होने का छदम दावा ठोकते हैं, उनको सबसे पहले किसी सुचिता भरे आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और चुनाव आयोग से, आपके माध्यम से, समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि उत्तर प्रदेश में 3-4 जो अफसर हैं, चाहे अवनीश अवस्थी हैं, नवनीत सहगल हैं, जो सरकार के का पक्षपाती रवैया और सरकार का जो पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है उसके अनुसार काम कर रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार के निष्पक्ष व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आपका चूंकि एक बड़ा मंच है, तो समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि ऐसे अफसरों को यथाशीघ्र हटाया जाए, और समाजवादी पार्टी संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं, जो संवैधानिक महत्व है, उसको मानने वाली है, और अगर चुनाव आयोग कोई निर्णय फिर लेता है तो समाजवादी पार्टी को स्वीकार्य होगा, मान्य होगा। ठीक है रागिनी नायक, ये आगे बढ़नी चाहिए तारीख या नहीं, 15 जनवरी तक ही रोक क्यों? क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है वो तो यही कह रहा है कि स्थिति अभी तो कंट्रोल में नहीं आएगी। शिरीन, कल चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में दो महत्वपूर्ण बात कही। पहली बात तो ये कि संविधान में उद्धृत जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसके अनुरूप चलते हुए देश में समय पर चुनाव करवाने चाहिए, और मैं समझती हूँ कि चुनाव आयोग की यही भावना जनता की भी भावना, जनता आतुर है, चाह रही है इन पांचों राज्यों की जनता की जल्द से जल्द चुनाव हो, ताकि महंगाई के खिलाफ, गरीबी और भुखमरी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ, किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ, सीमा पर हो रहे प्रहार के खिलाफ, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जल्द से जल्द वोट करने का मौका मिला। ये पहली बात, तो चुनाव आयोग और जनता एक ही रास्ते पर चलना चाह रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि चुनाव तो हो, पर चुनाव कैसे कराए जाए
ताकि संक्रमण कम से कम फैले और जनता की जान को बचाया जा सके। आखिरकार जान है तो जान है। उसमें एक बड़ा निर्णय ये लिया गया कि 15 जनवरी तक, जैसा कि आपने भी बताया, चुनावी रैलियों पर रोक लगी। तो मुझे लगता है चुनाव आयुक्त के दिमाग में वही दृश्य आया होगा जब मोदी जी सुपर स्प्रेडर इवेंट बंगाल में करते हुए ताली बजा रहे थे कि कितनी भीड़ मैंने जुटाई, देखो कोरोना काल में मैंने कितनी भीड़ जुटाई। तो ऐसा तमाशा दोबारा ना हो, ये भी कहीं ना कहीं मंशा चुनाव आयोग की रही होगी। और मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ कि प्रियंका गांधी जी ने ये निर्णय चुनाव आयोग के निर्णय से पहले ही ले लिया कि हम मैराथन पर भी रोक लगाएंगे, हम चुनावी रैलियां भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि संक्रमण तेजी से ना बढ़े। और चुनाव आयोग आगे भी अगर कोई ऐसा फैसला लेता है तो कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर हम चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। पर दो बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पहला ये कि जैसे समय पर चुनाव कराना जरूरी है, वैसे ये भी जरूरी है कि हर राजनीतिक दल का संदेश जनता तक पहुंचे, हर प्रत्याशी जनता तक पहुंचे, हर मुद्दा जनता तक पहुंचे। उसके लिए क्या विकल्प हो? क्या छोटी नुक्कड़ सभाएं 100 लोगों की, 200, 150 लोगों की, जो कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्या वो कराई जा सकती हैं? और अगर हम वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो खासतौर से हेट स्पीच और स्लैंडर, यानी कि उन्माद और नफरत भरे भाषण, जब लाखों फेसबुक लाइव हो सकते हैं, जब लाखों ट्विटर स्पेस और ट्विटर लाइव हो सकते हैं, इन पर कड़ी नजर कैसे रखी जाए कि संविधान की सच में जो मूल भावना है लोकतंत्र के प्रति, उसको सुरक्षित रखकर ये चुनाव किया जा सके। इन कुछ पहलुओं पर चुनाव आयोग को जरूर सोचना चाहिए। और मोदी जी जो आज बैठक कर रहे हैं विशेषज्ञों के साथ, मैं लगातार कह रही हूँ विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करिए मोदी जी, सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करिए मोदी जी, क्योंकि चुनाव सिर्फ आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। चुनाव में इस देश का हर राजनीतिक दल अपनी राय रखना चाहता है, उनसे बात करिए। ये बैठक जो हो रही है वो कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर हो रही है, चुनावों को लेकर नहीं हो रही। आप ठीक कह रही हैं श्री, कोरोना की मौजूदा स्थिति और इस स्थिति में चुनाव कैसे कराया जाए, ये मुझे लगता है दोनों चीजें अब मिल गई हैं। ठीक है, चुनाव आयोग का विशेषाधिकार शुरू हो गया है, पर मोदी जी की भी कुछ जिम्मेदारी है इस देश के लोकतंत्र के प्रति, उसको एक बेहतरीन ढंग से निभाकर एक नया मानक प्रस्तुत करें जो अभी तक नहीं कर पाए। ठीक है, शिवम त्यागी इसका जवाब दीजिए। सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक क्यों नहीं आम सहमति बनाई गई कि आखिर चुनाव, ठीक है ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है, तमाम नियम कायदे बना लिए गए हैं, लेकिन विपक्ष को भी सुनना जरूरी है। नहीं, कहीं कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल विपक्ष को सुना जाएगा और सुना जाता रहा है, और समय समय पर पिछले समय में भी आपने देखा होगा किस तरीके से विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से और तमाम लोगों से इस बात पर चर्चा की गई। मुझे लगता है आज जो कोरोना है उसकी ग्रेविटी देखकर, उसकी सिचुएशन, उसकी स्थिति क्या है, डॉक्टर से और तमाम लोगों से उस पर रिपोर्ट्स लेना और उसमें आगे क्या चीजों पर सरकार काम कर सकती है, सबसे पहले उसको तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि विपक्ष अगर है तो विपक्ष की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी और मर्यादाएं हैं। ये विपक्ष हमेशा से किस तरीके से एक ब्रूहाहा फैलाता रहा है इस देश में, सबने देखा है। आप अभी देखे होंगे शुरुआत में जब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई, पहले तो न्यूज चैनल्स पर आकर लगातार ये कहा गया कि नहीं, हम चाहते हैं रैलीज ना हो, वर्चुअल रैलीज हो, तमाम चीजें हो। अब जैसे ही बात को अनाउंस कर दिया गया, अखिलेश यादव जी आकर कहने लगे हमारे पास तो फंड नहीं है और डिजिटल पर तो भारतीय जनता पार्टी की जीत है। अरे जिसके जितने कार्यकर्ता होंगे उतने ही तो डिजिटली वो आपको दूंगी काउंटर का मौका, रुक जाइए, सुन लीजिए पहले। जब समय आया था मनोज काका, बीच में मत बोलिए, एक बार सुन लिए ना पहले। ये कहिए इतना वर्कशॉप, इतना अग्रेसिव होने की आवश्यकता नहीं है कि अकाउंट बनाए होंगे ना आपके पास मनोज काका, फिर रखिएगा अपनी बात, मैं दूंगी आपको। रुक जाइए एक सेकंड, पहले सुन लीजिए शिवम त्यागी की पूरी बात, फिर उसके बाद अहबाब सिंह भी मेरे साथ है। मनोज काका रुकिएगा, बोले शिवम क्या हो जाता है मनोज काका आपको, अब इतना टची क्यों हो जाते हैं? उनको कहिए ना, फिर प्लीज आप उनको कहिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं। मनोज काका आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोला, तो आप कम से कम दूसरों की बात का भी सम्मान कीजिए। एक मिनट नहीं सुनिए, एक सेकंड मनोज काका प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ एक मिनट शांत रहिए। आपको मैं मौका दूंगी शिवम त्यागी का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन अभी शांत रहिए प्लीज। अच्छा हो गया, ठीक मनोज जी, मनोज शिवम बोलिए जल्दी, आप इनको लगता है आप इनको शांत कराएंगे तो ज्यादा बेहतर।
राठौड़ जी लाल टोपी लगाई है लेकिन बुद्धि तो अभी है ना, लगातार जब वो बोल रही है समय ले लीजिएगा आप ना, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है कि जब आप विपक्ष की बात करते हैं तो उनको भी तमाम चीजों की बात याद रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये है कि जिन पांच राज्यों में चुनाव है ठीक है चलिए उसमें तो आपको रैली करनी है, जनता पहुंचना है, बहुत कोरोना ठीक चला, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस राज्य में चुनाव नहीं है आपको उसमें रैली करते थे राजस्थान, नहीं सिर्फ आप भीड़ जुटा सकते थे। ये तमाम चीजों को देखते हुए जो चुनाव आयोग ने कहा है भारतीय जनता पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से मानते हुए उसको आगे बढ़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक 15 के बाद एक सिचुएशन को इवैल्यूएट करेगा चुनाव आयोग और जो भी फैसला उन्हें लेना होगा वो बेहतर स्थिति के लिए लेगा, लेकिन पहले ही रोना शुरू कर देना कि हम डिजिटली मजबूत नहीं है, पहले ही ये कर देना कि भाई भारतीय जनता पार्टी डिजिटल पर बहुत स्ट्रांग है, ये अपने आप में दर्शाता और दिखाता है कि आपकी जो चुनावी रणनीति है या फिर चुनाव में आपके जो रिजल्ट हैं वो क्या होने वाले हैं वो आपने पहले ही दर्शा दिया। मैं टीका टिप्पणी में फिर भी नहीं जाना चाहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा चुनाव सबके लिए बराबर है, आइए और लड़िए। और फिर जहां तक डिजिटल की बात है, सबके पास जितनी कार्यकर्ता जितने फोर्स हैं वो उसी तरीके से जाएंगे। चुनाव जो है चुनाव लोकतंत्र में जरूरी है ये तो सभी जानते हैं और इसी को लेकर, लेकिन सवाल यही है कि क्यों चुनावी रैलियों के बगैर क्या चुनाव नहीं हो सकते। अहबाब सिंह ग्रेवाल जी। जी देखिए शिरीन जी, हम पहली बात तो स्वागत करते हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कदम उठाए हैं, हम उसका बिल्कुल स्वागत करते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको सारी पिक्चर अच्छे से पता है, सबसे ज़्यादा पता है, तो वो लीड लें और कहें कि हम या मैं रैलियां नहीं करूंगा, मैं चुनावी भीड़ नहीं जुटाऊंगा और वो लीडर बने देश के क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बारी अब पार्टियों की सोचने की बात नहीं है। तीसरी बात, हम इलेक्शन कमीशन से ये भी गुजारिश करेंगे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जो भी पार्टियां हैं सबको बराबर का मौका, मीडिया पर भी बराबर का मौका दिया जाए, कोई पक्षपात ना हो। जिस प्रकार से एक सेक्शन जो मीडिया का है उसे मोल्ड कर लिया गया है बीजेपी के हक में, उसे भी थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन को देखना पड़ेगा। और हम, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, हम हर तरह से इलेक्शन कमीशन के जो भी हुक्म होगा उसका पालन करेंगे और लोगों की जान जरूरी है। प्रधानमंत्री जी को अब देश का लीडर बनके लीड लेनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि नहीं भाई मैं नहीं करूंगा, मुझे देश के लोगों की जान बहुत प्यारी है। ठीक है, लीडर बनने का मौका तो सबके पास है ना, और यही तो मौका होता है चुनाव के दौरान, यही तो मौका होता है। आप बन जाइए लीडर जी, आप लीड ले लीजिए। हम मान रहे हैं, हम तो हाथ जोड़, मैम हम तो हाथ जोड़ के मांग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के मान रहे हैं, पर देश के प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं ना, देश के और तो प्रधानमंत्री है नहीं, एक ही संवैधानिक पद है, एक ही देश के लीडर हैं, तो हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि वो अब वो लीडरशिप दिखाएं जो वो प्रोफेस करते हैं, जो उनमें हमेशा वो कहते हैं कि देश के लीडर हैं, वो किसी एक पार्टी विशेष के या एक समुदाय विशेष के लीडर नहीं है, तो अब उन्हें देश के लोगों का सोच के एक लीडरशिप दिखा के और एक अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि चाहे जो भी कुछ हो प्रधानमंत्री जी रैली नहीं करेंगे। और हमारी पार्टी बिल्कुल तैयार है, हम सोशल मीडिया पे, हम वन ऑन वन, हम हर प्रकार से कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे और हम हर प्रकार से जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो करेंगे। और हमने कह दिया कि नहीं तो नहीं रैली, नहीं तो नहीं, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, लेकिन अब देश में लीडर की जरूरत है। ठीक है, रागिनी नायक। देखिए मैं ये समझती हूँ शिरीन की चुनाव की तैयारी 5 साल चलती है, चुनाव की तैयारी सिर्फ जो 40 दिन मिलते हैं चुनाव लड़ने के लिए आचार संहिता लगने के बाद, यदि कोई राजनीतिक दल समझता है कि केवल वही समय है जब चुनाव की तैयारी चलेगी, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी मुखालफत है, गलतफहमी है और वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार वो राजनीतिक दल है। तो कांग्रेस पार्टी पिछले 5 साल से उन सभी प्रदेशों में जहां सरकार में नहीं है, जनता के मुद्दों के साथ सड़क पर खड़ी रही। उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये इस नारे की गूंज इतनी ज्यादा हो गई है कि MY का कॉन्सेप्ट ही बदल गया। मैं बार बार कहती हूं कि व्यक्तिवाद पर आधारित चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, MY का मतलब है मोदी और योगी, मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी MY जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहती है, मुस्लिम और यादव। कांग्रेस पार्टी है जो कह रही है महिला और यूथ के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव बदला है उत्तर प्रदेश का, और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का नतीजा भी बहुत जल्दी बदलने वाला है। विस्तृत चर्चा कभी होगी तो मैं 5 राज्यों के बारे में बोल सकती हूं, पर आप खुद देख लीजिए कि पंजाब में
खुद अपनी ही जान को खतरा बताने का स्वांग रचना पड़ा खाली कुर्सियों की झेप मिटाने के लिए प्रधानमंत्री जी को, इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि वहां पर धरातल है ही नहीं राजनीतिक इनके पास। उत्तराखंड में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इनको बदलने पड़ गए, इससे ज्यादा प्रशासनिक विफलता का और क्या प्रमाण मिलेगा। तो आप चुनाव में हार तो स्पष्ट है, माध्यम आज मुझे लगता है ये जो आपके राजनीतिक विशेषज्ञ हैं शिवम भाई, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर 2 रुपल्ली के ट्रोलर्स को आप समझते हैं कि आपकी सोशल मीडिया की सेना है वो, तो माफ कीजिएगा, ये 2 रुपल्ली के ट्रोलर्स कहीं काम आने वाले नहीं है। धरातल पर जो जनता वोट देगी वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है। और भ्रामक जानकारी की बात आप कर रहे थे, अगर भ्रामक जानकारी किसी ने देश में दी है कोरोना से संबंधित, तो वो मोदी जी ने दी थी जब उन्होंने कहा कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, मुझे 18 दिन दे दीजिए। जब डावोस में जाकर उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ यह हम जंग जीत चुके हैं, और जब उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2021 तक पूरे देश की वयस्क जनसंख्या को 2 डोज लगेंगे कोविड के, आज भी 35 करोड़ लोग हैं जिन्हें दूसरी डोज नहीं लगी। उत्तर प्रदेश में केवल 52% लोगों को डबल डोज लगी है। आप बहुत कोरोना को लेकर और इन तमाम चीजों को लेकर सीधे तौर पर आप बीजेपी पर सवाल उठा रही हैं। एक सवाल मेरा आपसे भी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी कर्नाटक से, आज तस्वीरें आई हैं कांग्रेस ने किस तरीके से भीड़ जुटाई पदयात्रा के नाम पर, यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग विपक्ष होने के नाते, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी होने के नाते यही जिम्मेदारी है? शिरीन मुझे बहुत अच्छा लगता कि इन विजुअल्स के साथ आप वो कारण भी बताते जिसके कारण ये पदयात्रा हो रही है। कर्नाटक में एक एक बूंद पानी के लिए लोग मोहताज हो रहे हैं, खाना बनाने के लिए तक पानी नहीं है, प्यासे तड़प के मरने की नौबत आ गई है। और भारतीय जनता, यही कारण है अभी आपने देखा होगा कि जो एमसीडी के जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए किस तरीके से भाजपा औंधे मुंह जाकर, कारण कोई भी हो, मैं ये कह रही हूँ ठीक है, लेकिन क्या ये सही नाम से वो पदयात्रा निकाली जा रही है। एक लाइन में खत्म करती हूँ, और आप देख लीजिए कि मास्क पहनकर, आपके विजुअल्स में भी दिखेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क पहनकर वहां पर चल रहे हैं। और यहाँ तिल का तार भले ही एक राष्ट्रीय चैनल पर बन जाए, जो वहां के इरिगेशन मिनिस्टर है कर्नाटक के भाजपा के, जिन तस्वीरों की आप बात कर रही है रागनी जी, वो तस्वीरें आप खुद भी देख सकती हैं बीपी न्यूज पर। और आप बताइए ये जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं, आप ये कह के कि पानी के नाम पर भीड़ इकट्ठी की गई, आप उसे सही नहीं ठहरा सकती? ये तस्वीरें सही कैसे ठहरा सकती हैं आप? मैं कह रही हूँ कि पानी दे दे सरकार, आज ही नहीं है ये, अभी इसी वक्त स्थगित हो जाएगा, पर कोरोना से ना मरने दे, प्यासे मरने दे लोगों को। कैसी बात कर रहे हैं आप, मतलब एक से बचाव तो दूसरे, एक कुएं से बचे तो दूसरे कुएं में कूद जाए। बिल्कुल सवाल पूछूंगी मैं, बिल्कुल, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे गुजरात के सोमनाथ से वो तस्वीरें आई हो, चाहे कर्नाटक से वो तस्वीरें आई हो, तस्वीरें गलत हैं, जो इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। सभी पार्टियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी यहां पर निभानी होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।